दोस्तों नॉर्मल कपल्स या फिर सेलिब्रिटी कपल्स जो भी हो, इनके बीच डिवोर्स हमेशा काफी दुखद होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको साउथ इंडियन एक्ट्रेस और बॉलीवुड एक्ट्रेस और इंडियन क्रिकेटर्स के कुछ ऐसे कपल्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में डिवोर्स लिया, एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, आमिर खान एंड किरण राव। दोस्तों ये एक फेमस बॉलीवुड कपल है जिसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान है और दूसरी तरफ फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर किरण राव है। और इन दोनों की मुलाकात लगान फिल्म के सेट पर हुई थी। इन दोनों की शादी साल 2005 में हुई थी और जून 2021 में दोनों ने डिवोर्स ले ली। इन दोनों की मैरिड लाइफ 22 साल तक चली। इन दोनों का डिवोर्स बॉलीवुड का सबसे कंट्रोवर्शियल डिवोर्स था। दोस्तों आपका क्या कहना है आमिर खान और किरण राव के डिवोर्स के बारे में, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। नंबर टू, प्रकाश राज एंड ललिता कुमारी। प्रकाश राज साउथ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट पेड विलन है। इन्होंने ललिता कुमारी से शादी की थी साल 2009 में। आपको बता दें कि ललिता भी एक फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इन दोनों का डिवोर्स साल 2016 में हुआ। इनका रिश्ता करीब 6 साल तक चला। इसके बाद साल 2010 में प्रकाश राज ने फिर से दूसरी शादी की पूनी वर्मा से, जो की फेमस कोरियोग्राफर है साउथ और बॉलीवुड की। नंबर थ्री, शिखर धवन एंड आयशा मुखर्जी। इन दोनों का कपल इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला कपल है। आपको बता दें कि शिखर धवन एक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है और वहीं दूसरी तरफ आयशा एक ऑस्ट्रेलियन किक बॉक्सर है। इन दोनों की फ्रेंडशिप फेसबुक पर स्टार्ट हुई थी और फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई, जिसके बाद इन दोनों ने 2012 में शादी करने का निर्णय लिया और हाल ही में इनका डिवोर्स हुआ 8 सितंबर 2021 में। इन दोनों का रिश्ता 9 साल तक चला। रिसेंटली इन दोनों के डिवोर्स ने इनके फैंस को चौंका के रख दिया है। नंबर फोर, समंथा एंड नागा चैतन्य। दोस्तों ये साउथ के सबसे फेमस और फेवरेट कपल हैं। इन दोनों को साउथ का सबसे क्यूटेस्ट कपल भी कहा जाता है। इनके फैंस इन्हें प्यार से नैसाम बुलाते हैं और दोनों के डिवोर्स को लेकर रिसेंटली न्यूज आई है कि ये दोनों अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। टॉलीवुड के इस कपल की शादी 2017 में हुई थी और डिवोर्स 4 अक्टूबर 2021 को, केवल 4 साल तक ही इनकी शादी चल पाई। दोस्तों आपकी इन दोनों के डिवोर्स के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। नंबर फाइव, हिमेश रेशम एंड कोमल। हिमेश ने साल 1995 में कोमल से शादी की थी और इन दोनों का डिवोर्स 2017 में हुआ। दोनों का मैरिड लाइफ करीब 22 साल तक चला। नंबर सिक्स, महरीन पीरजादा और भव्या बिश्नोई। ये भी एक यंग एंड फेमस साउथ कपल है। महरीन पीरजादा ने अश्वत्थामा जैसे सुपरहिट मूवीज में काम किया है और वहीं भव्या एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। इन दोनों की शादी हुई थी 14 मार्च 2021 में और डिवोर्स हुआ 4 जुलाई 2021 में। केवल 4 महीनों तक इनकी मैरिड लाइफ चली। नंबर सेवन, मलाइका अरोड़ा एंड अरबाज खान। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से शादी की थी। शादी के 10 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। मलाइका अरबाज का एक बेटा अरहान भी है जो अपनी माँ के साथ रहता है। मलाइका अपने बेटे की काफी अच्छे से परवरिश कर रही है। हाल ही में मलाइका और अरबाज की डिवोर्स को लीगल मान लिया गया है। फिलहाल इन दिनों मलाइका अर्जुन कपूर को डेट कर रही है और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। नंबर एट, प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस। दोस्तों यू तो प्रियंका और निक की रोमांटिक जोड़ी हमेशा से ही सोशल मीडिया पर छाई रहती है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर अक्सर ही वायरल होती हैं। कुछ ही समय पहले दोनों को लंदन की सड़कों पर लड़ते हुए देखा गया था। इस वायरल वीडियो के बाद कहा जाने लगा कि दोनों साल 2021 में ही तलाक लेने वाले हैं, लेकिन ये बात महज अफवाह साबित हुई। नंबर नाइन, एल विजय एंड अमला पॉल। ये दोनों एक टॉलीवुड कपल हैं। एल ने कई साउथ की सुपरहिट मूवीज डायरेक्ट की हैं, जैसे कि थलाइवी, डीजे और सराय नाडू। और वहीं दूसरी तरफ अमला एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है जिन्होंने कई सुपरहिट मूवीज दी है। इन दोनों की शादी हुई थी साल 2014 में और दोनों का डिवोर्स साल 2017 में हुआ था। 3 साल तक इन दोनों का रिश्ता चला। नंबर 10, आमिर खान एंड रीना दत्ता। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहने वाले आमिर खान ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, लेकिन कुछ ही सालों में दोनों के बीच दूरियां आने लगी और साल 2002 में ये कपल अलग हो गए और आमिर को ये तलाक काफी महंगा पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान ने मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपए अदा किए थे अपनी पहली पत्नी को। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप।